यूपी सरकार द्वारा जारी पर्यटन स्थलों की लिस्ट से ताजमहल का नाम हटाने के बाद से योगी आदित्यनाथ विपक्ष के निशाने पर हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस बुकलेट में ताज को शामिल नहीं किया गया है वो सूबे में भविष्य की पर्यटन की परियोजनाओं को लेकर है, लेकिन कुछ लोग अपने हितों को साधने के लिए इसे बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। ताजमहल के संबंध में सवाल पूछे जाने पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, ताजमहल हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। ये हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारी प्राथमिकता में रहेगा। ताजमहल के संरक्षण के लिए हमारी सरकार पहले ही फंड आवंटित कर चुकी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ केरल में वामपंथी दलों की राजनीतिक हिंसा के विरोध में जनरक्षा यात्रा का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने ये बात कही। योगी ने कहा कि पेश की गई बुकलेट में कुछ नई परियोजनाओं की जानकारी दी गई है, जिसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार ने ताजमहल को नकार दिया है।